आइए बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 9 है। 8 चैप्टर हमने इससे पहले ख़त्म कर लिए। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख के आइएगा, इसके बाद ही आप 9 चैप्टर को पढ़ें। तो 9 चैप्टर को देखते हैं। तो 9 चैप्टर का नाम क्या है? ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स इज लाइट। जो ऑप्टिक्स होता है उसका मीनिंग लाइट होता है। इसको आप क्लास 10th में भी पढ़ के आते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि चैप्टर है हमारी क्लास 10th में, उसमें भी आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो। यदि आपने लाइट वाला चैप्टर 10th में पढ़ा है तो यहाँ पर भी वो कुछ काम आने वाला है। तो उसको भी आप बुक यदि आपके पास है तो एक बार क्लास 12th के चैप्टर के यदि आप अच्छे नॉलेज की ऑप्टिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो इस चैप्टर में आएगा वो हम इस पर पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स क्या का मीनिंग क्या होता है? लाइट होता है। इसका ऑप्टिक्स का मीनिंग लाइट होता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो रे ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। एक हमारा रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। तो यहाँ पर जो रे ऑप्टिक्स होता है उसको हम पढ़ेंगे। जो हमारे 9 चैप्टर उसमें 4 पार्ट है, ए बी सी डी। इस पर हम पढ़ेंगे हम रे ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा जो लास्ट है। इसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और भी टॉपिक है यहाँ पर। तो इन सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद हमारा जो 10 चैप्टर है वो सब वेव ऑप्टिक्स में है। तो इन सब को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब यहाँ पर आने वाले हैं। तो इन सबको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइट ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? हमारा लाइट होता है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सिर्फ उस चैप्टर का ओवरव्यू था कि ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स होगी, वेव ऑप्टिक्स होगी। जो वेव ऑप्टिक्स है वो 10th चैप्टर के अंदर आता है। और रे ऑप्टिक्स में आपको पता है इस चैप्टर के अंदर 4 पार्ट्स हैं, उनमें हम सब वगैरह इनके सारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो आइए बच्चों, हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे होता है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन देख लेते हैं। रिटर्निंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि किसी भी लाइट का रिटर्न बैक हो जाना, अपनी जिस मीडियम से वह आई थी उसी मीडियम में स्ट्राइक, किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद। मतलब कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा डायग्राम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, एक इस तरह से मान लीजिए एक सरफेस है, ये कैसी हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस पे क्या हुआ हमारी एक लाइन यहाँ पर स्ट्राइक की, इस तरह से यहाँ पर स्ट्राइक की, ये लाइन यहाँ पर स्ट्राइक की। और यहाँ पर क्या कहता है, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। यदि कोई लाइट इस पर स्ट्राइक करती है वो क्या हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है उसी मीडियम में। तो ये देखिए आप, ये जिस मीडियम से आई होगी, यहाँ पर कोई मीडियम रखा होगा, मीडियम एयर वगैरह कुछ भी होगा, तो ये जिस मीडियम से आई होगी। तो एक रूल क्या कहता है कि जो हर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहती है कि जी उसी मीडियम में बैक हो जाएगी, रिटर्निंग बैक हो जाएगी। इस तरह से ये जिस मीडियम से आई उसी में ये किसी सरफेस पर पड़कर ये उसी मीडियम में बैक हो जाएगी। और इनके बीच में जो होता है हमारा वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। इस तरह से इनके बीच में एक नॉर्मल होता है। मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या कहता है कि यदि कोई भी लाइट हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है, कोई भी लाइट हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पड़ती है तो वो उसी सेम मीडियम में स्ट्राइक करने के बाद बैक हो जाती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें अब एक एक पार्ट को यहाँ समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर है क्या होता है हमारा, किसी भी लाइट का रिटर्न बैक हो जाता होने जाना उसी मीडियम में आफ्टर स्ट्राइक करने पर किसी भी सरफेस पर। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर जो लाइन, जो यहाँ पर लाइट इस पर गिरी है उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी क्या, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। जो यहाँ पर हमारी लाइट इस पर स्ट्राइक की इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और इसके बाद जो रिटर्न बैक हुई इस सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद, ये क्या होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हो गई हमारी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या होता है हमारा, नॉर्मल होता है।
ये क्या होता है हमारा नॉर्मल होता है, और ये नॉर्मल कैसा होता है 90 डिग्री पे होता है, मतलब इसके परपेंडिकुलर होता है। ये कैसा होता है, ये नॉर्मल होता है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। और ये जो नीचे होती है इसको क्या होते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये क्या होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये होती है हमारी क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है हमारी, मिरर होता है। और मिरर कैसा होता है, मिरर का एक साइड हमारा इस तरह से होती है, इस तरह से इसमें ये डॉट पड़े होते हैं, डैश डैश होते हैं। डैश डैश का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस डैश डैश का मतलब होता है कि इनमें से ये नीचे वाली जो साइड है वो कैसी पॉलिश्ड होती है, और जो जो कि हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ऊपर वाली होती है, इस पर कोई लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो ये नीचे वाली साइड की जो डेड डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये इस साइड से पॉलिश्ड है, मतलब जो पॉलिश करते हैं हम सिल्वर की या एलुमिनियम करते हैं वो आगे पड़ेंगे तो ये नीचे वाली साइड को हम पॉलिश्ड कर देते हैं। तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसमें हमने क्या मिरर को ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए एक मिरर लगा हुआ है, तो इसमें मिरर लगा हुआ और इस पर कोई इंसिडेंट रे आई, और आपको पता है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि वो रिटर्न बैक हो जाएगी उसी सेम मीडियम में। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आई और वह उसी मीडियम में यहाँ पर बैक हो गई, तो यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है, अब जो नॉर्मल यहाँ से बीच पे होता है, इन जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल होता है उनके बीच में एंगल आई बनता है हमारा, ये हमारा एंगल आई होता है। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग रे होती है और नॉर्मल होता है इनके बीच में जो एंगल बचता है वो कौन सा होता है हमारा एंगल आर होता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल आई होता है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आर होता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जिस एंगल से हमारी इंसिडेंट रे आई होती है उसी एंगल से ही हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो बाहर रिटर्न बैक होती है, मतलब जिस एंगल से ये इस पर स्ट्राइक करती है उसी सेम एंगल से ये भी रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिस एंगल से ये आई होती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। समझ में आया आपको क्या हो गया, इंसिडेंट रे मतलब जिस एंगल से इस पर स्ट्राइक कर रही होती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब कि एंगल आई क्या होता है हमारे एंगल आर के इक्वल होता है। ये हम इसके लॉ में पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन आप याद रख लीजिए कि जो इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो सेम होता है, मतलब जिस एंगल से इस पर स्ट्राइक करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट इस पर बाउंस बैक होकर इस पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी एंगल से सेम एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक इस पर हो जाती है। तो ये होती है इसकी प्रोसेस, ये होता है हमारे रिफ्लेक्टिंग जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये हमारा इसका लॉ होता है, मतलब कि इंसिडेंट किसी पर स्ट्राइक करेगी तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उस सरफेस पर स्ट्राइक होने के बाद। तो इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करती है। तो मान लीजिए आप कोई अंधेरे कमरे में गए जहाँ पर कोई लाइट नहीं और आपके हाथ में है टॉर्च, तो आपसे एक सीधा क्वेश्चन है कि टॉर्च आप आंखों पर डालेंगे या जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं उस पर डालेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट पर डालेंगे, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको तो उसको देख रहा है तो हमको तो टॉर्च आंखों पर करनी चाहिए जिससे हमको वो देख सके, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर यही फेनोमेना लगता है, कैसे लगता है कि यदि जब आप ऑब्जेक्ट पर लाइट डालेंगे तो ऑब्जेक्ट पर वो लाइट जाएगी, और उससे जो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट पर जो लाइट डाली वो कौन सी हमारी इंसिडेंट रे हो गई, तो उससे क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक लाइट आएगी, वो कहाँ आपकी आंखों पर आएगी, और इसी के कारण आपको क्या ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिख पाएगा, इसी के कारण आपको ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिख पाएगा। मतलब कि यदि आप टॉर्च किसी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तो वहाँ पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ही आपको वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिखता है। ऐसा ही सनलाइट में होता है, सनलाइट पे क्या होता है सनलाइट चारों ओर, जब हमारा सनलाइट सूर्य बाहर निकलता है मतलब सूर्योदय होता है उसके बाद दोपहर में, अब दिन के समय पर ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, रात के समय पर आप अच्छी क्लियरली नहीं देख पाते क्योंकि दिन के समय में क्या होता है जो हमारी लाइट होती है वो सब जगह पड़ रही होती है, जिससे ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक हमारी आंखों पे आती जिसके कारण ही हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यही कारण होता है कि हम दिन में अच्छे से देख पाते चीज़ों को, रात में अच्छे से नहीं देख पाते। तो इसी तरह ये फार्मूला ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला हमारा काम करता है, ये डायग्राम है, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद इसके लॉ आ रहे हैं वो लॉ और देख लेते हैं हम, तो ये डायग्राम और ये आपको नोट कर लेना, तो देखते हैं और इसके लॉ क्या कहते हैं। आइए बच्चों इसके लॉ और देख लेते हैं, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं।
पहला लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंफिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको वापर ही बताया था डायग्राम में, जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, मतलब जिस एंगल से जो लाइट होती है वो स्ट्राइक करती है तो सेम एंगल से जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये आपको फार्मूला पता होगा, ये आपने यहाँ पर ही मैंने लॉ में लिख दिया। एक चीज़ और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, ये दूसरा पढ़ने से पहले हम एक लॉ एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा वो समझते हैं। यदि कोई हमारी सरफेस है और यदि उस पर कोई लाइट जो परपेंडिकुलर, मान लीजिए यदि कोई परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तब क्या होगा, यदि कोई लाइट है और वह किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, तो वो वहाँ पर यह होगा कि वह सेम पाथ पे ही रिटर्न बैक हो जाएगी, मतलब जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पे वह रिटर्न बैक हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर क्यों होगा इसको हम समझते हैं। आपको पता है जो हमारी ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, क्योंकि रिफ्लेक्ट ये कैसी हो रही, इस पर स्ट्राइक कर रही तो ये हमारी कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। और आपको पता है जो नॉर्मल होता है वो भी कैसा होता है, 90 डिग्री पे होता है, मतलब नॉर्मल भी हमारा इसी के ऊपर होगा, इसी के ऊपर इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल भी होगा हमारा। तो आपको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बसता है जिसको हम बोलते हैं एंगल आई। नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे मतलब जो इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं उसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल आई बोलते हैं। और यदि आप यहाँ पर एंगल आई देखें तो वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि तो ये तो इस नॉर्मल भी उसी पर है और जो इंसिडेंट रे वो भी सेम पर, तो वो भी सेम दोनों एक ही लाइन पे है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। तो यदि एंगल आई 0 हो जाता है, हमको पता है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, तो एंगल आर भी हमारा 0 हो गया। तो इस तरह पे दोनों 0 हो गए। तो यदि दोनों 0 यहाँ पर हो गए तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी लाइट होगी यदि किसी सरफेस पे स्ट्राइक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे करेगी तो वो सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, यदि कोई इस तरफ इस पे स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलर में तो सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो जाती है। तो ये आपको फार्मूला यहाँ पर याद रखना है, ये कैसे होता है, आपको नॉर्मल और फ्रेंड के एंगल 0 बना तो उसी पाथ पे वो रिटर्न बैक हो गए। तो समझ में आपको आया है किस तरह से ये काम करता है सब कुछ, तो ये आपको याद रखना है छोटा सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों हमारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाए करते हैं। कैसे करते हैं, सेम प्लेन मतलब कैसे, कि आपको पता है कि ये कैसे होते हैं। देखिए एक हमारी यदि इंसिडेंट रे यहाँ पर आई और ये इनके बीच में नॉर्मल होता है और एक हमारी कौन सी होती है रिफ्लेक्टिव सर्फेस ऐसी होती है। तो यदि आप इन तीनों को देखें तो अभी कैसे ये सेम प्लेन में है, लेकिन यदि डिफरेंट प्लेन की मैं कहूँ तो डिफरेंट प्लेन में कैसे हो जाएगा। तो मान लीजिए डिफरेंट प्लेन में ये दो तो हमारी ऐसे ही है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऐसी हो जाए तो ये डिफरेंट प्लेन हो गया। लेकिन हमको कैसे चाहिए, तीनों सेम प्लेन में चाहिए, मतलब तीनों सेम प्लेन में हो चाहिए। तो यदि इसको मान लीजिए बोर्ड हमारा इसका प्लेन हो गया तो ये तीनों क्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ये दोनों ऐसी होनी चाहिए, ये दोनों इस तरह से होने चाहिए और ये भी इसी तरह से परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये ऐसी नहीं होने चाहिए, ये दो फिर डिफरेंट प्लेन हो जाएगा। तो ये हमारे सेकंड लॉ कहता है कि ये तीनों सेम प्लेन पर लाए करना चाहिए, और तीनों यहाँ पर सेम प्लेन पर, यदि बोर्ड को हम मान लें इसका प्लेन तो ये तीनों यहाँ पर सेम प्लेन पर लाए कर रहे हैं तो ऐसे ही करना चाहिए, ना कि ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट प्लेन हो जाएगा इस नॉर्मल का। तो इस तरह से ये लॉ होता है, ये कहता है कि तीनों हमारे सेम प्लेन पर ही लाए करने चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे नॉर्मल आर लाइन ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों एक प्लेन पर ही लाए करने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक नोट और है उसको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ विल नॉट चेंज, मतलब कि स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ ये तीनों ही हमारी जो रिफ्लेक्शन होती है रिफ्लेक्ट बैक होती है वहाँ पर हमारी तीनों चेंज नहीं होती हैं। कौन कौन, स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, इनमें कोई चेंज नहीं आता। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि यदि रिफ्लेक्ट बैक होता है किसी लाइट का तो उसमें चेंज क्या क्या नहीं होता है, तो स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ ये तीनों ही वहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। मतलब जिस स्पीड से आई तो उसी स्पीड से वो जाएगी, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना उसकी वेव लेंथ चेंज होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी, पर चेंज क्या होता है, बट इंटेंसिटी चेंज, उसकी इंटेंसिटी मतलब तेज किस तेज़ी से वो आई थी वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब तेज़ी कैसे, यदि आप कोई मिरर है उस पर आप यदि लाइट मारेंगे, यदि लाइट उस पर डालेंगे आप, तो आप देखेंगे जो रिफ्लेक्शन होगी उसको मतलब रिफ्लेक्ट आपको लाइट कहीं दिखेगी तो वो थोड़ी डिम दिखेगी, जो आपने लाइट उस पर डाली थी जो उस लाइट की इंटेंसिटी थी
वो उस लाइट की इंटेंसिटी नहीं होगी जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट आपको आसपास आपके दिखेगी, आपके घर पर भी कर सकते हैं, वो आपको थोड़ी डिम दिखेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। पहले वो जिस लाइट्स की इंटेंसिटी थी लेकिन अब वो थोड़ी डिम हो गई, उसकी जो ब्राइटनेस थी वो थोड़ी डिम हो जाती है, तो वो यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। मतलब कि स्पीड फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ चेंज नहीं होते लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। इसका आप एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। आपके जो मिरर होंगे उन पर आप लाइट डालिएगा, उसके बाद जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसको आप देखिएगा और जो आपने लाइट डाली उसको देखिएगा, तो वो वाली जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है वो थोड़ी डिम दिखती है, तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से उसका वर्क होता है। समझ में आया होगा आपको। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।